हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित। आज हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं लिमिट का, जिसमें हम एक एग्जांपल देखेंगे। इस टाइप का एग्जांपल आपको एग्जाम में आ सकता है, और आपको पता है कि मेरे चैनल में मैं हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन करता हूं, जिससे कि हमारा टारगेट ओरिएंटेड वर्क हो और आपको मैथ्स में मार्क्स लेके आने में आसानी रहे। देखिए, देखते हैं स्टार्टिंग से। अभी इसमें आपको दिया है सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। ये आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, पहला और एक दूसरा। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आपको हमेशा फैक्टराइजेशन ही करना है, उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो अब मैं आपको फैक्टराइजेशन बेसिक से सिखा रहा हूं। कृपया प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है और किस तरह से लिमिट में हम उसको यूज करके आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जैसे कि हम ऊपर वाला ही ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है, वो मैं यहां लिखता हूं 8x square, ऊपर वाला जो है x square minus 8x plus 7, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला है। अब देखो, इसमें तीन टर्म्स होते हैं। ये जो पहले वाला होता है उसको हम बोलते हैं ft, यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी पहले वाला टर्म है, this is known as first term, then after this, ये जो ये middle में है, देखो ये first हो गया, ये middle हो गया, ये last हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं middle term। मैं नाम लिख देता हूँ अच्छे से, आपको समझ है, middle term। उसके बाद ये जो है last वाला, उसको हम बोलते हैं last term, LT, यानी कि लास्ट टर्म। ये तो हमें पता लगा, तीन टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म। अब आपको फैक्टराइजेशन करने के टाइम पे क्या चीजें ध्यान में देनी है वो भी आपको मैं सिखाता हूं। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो क्या है। x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं दिया, यानी आपको उसमें 1 लेना है। तब देखो क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं था, 1 एज्यूम किया। 1 और 7 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 7 होता है। अब आपको 7 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे कि हमारा आंसर -8 आए। अब 7 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 7 वनजा 7 होता है, तो 7 का फैक्टर 7 और 1 है। अब आपको ये भी देखना है, माइनस प्लस जो साइन आपको दिया है वो भी आपको ध्यान देना है, माइनस एंड प्लस। तो हम माइनस और प्लस करेंगे, तो माइनस प्लस होता है माइनस। तो ये रिंग आपको यूज करना है साइंस का। पहला साइन आपको इसको देना है, पहले फैक्टर को, दूसरा साइन आपको दूसरे फैक्टर को देना है, और ढूंढना है कि इसका आंसर जो भी आता है, यानी यहां पे तो माइनस 8 आया है, पर इसका आंसर जो भी आता है वो मिडल टर्म बनता है या नहीं बनता है। हमने इसका आंसर निकाला तो ये जो आंसर आया, ये आंसर मिडल टर्म है। अगर इसके फैक्टर्स का आंसर, ये साइंस का कॉम्बिनेशन करके जो आंसर आता है वो, ये दो साइंस रख के यहाँ पे आंसर जो आता है वो मिडल टर्म ही आता है, दैट मीन्स आपका ये फैक्टर करेक्ट है। तो फैक्टर्स कौन से करेक्ट है, -7 एंड -1, दो ही फैक्टर है ना, -7 है और -1 है, तो दोनों फैक्टर्स आपके सही है।
अब उन दोनों फैक्टर्स को आपको कहां रखना है, मिडल टर्म में। देखो कैसे, तो मैं लिखता हूं इसका इसका नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखना। x स्क्वायर माइनस माइनस 8 के बदले अब मैं क्या लिखूंगा, माइनस 7 और माइनस 1। तो मैं लिखता हूं माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7। यानी आपने देखा यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ मिडल टर्म को ही इसमें हमने किया। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। यानी कि माइनस 8x के बदले हमने लिख दिया माइनस 7x माइनस 1x। समझ आया? नहीं समझ आता है तो कमेंट में लिखना, अलग से मैं आपको शो करूंगा वीडियो बना के। अभी चलो इसको हम देखते हैं आगे। इसमें से कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि x दोनों में आता है। तो अब जरा ध्यान देना है कि ये है, यहां ही लिखा है। अब इसमें से x को कॉमन निकालना हो तो आपको माइंड में ये करना है कि मैं x को डिवाइड कर रहा हूं। आपको ऐसा सोचना है, अगर मैं यहां पे x कॉमन निकाल रहा हूं तो माइंड में ऐसा सोचना है कि मैं x को इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो डिवाइड करने से क्या आंसर आता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। क्या आएगा देखो, एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बचा, माइनस साइन है, एक्स कैंसिल, सेवन बचा। तो ये आपको इस तरह से सोच के करना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कॉमन निकालने में भी प्रॉब्लम होता है। अब यहां देखो माइनस है, अब इसमें से कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको वन कॉमन निकालना है, पर यहां पे माइनस का साइन है इसलिए आप माइनस वन कॉमन निकालोगे। तो माइनस वन कॉमन आया, अब क्या बचा, तो x लिख दो, साइन चेंज कर दो अंदर की साइन, और सेवन लिख दो। हमेशा जब भी माइनस कॉमन निकलता है अंदर की साइन चेंज करनी। अब इसको आप दोनों ब्रैकेट्स आपके हमेशा ही सेम ही आएंगे, यहां पे सेम आया है, एक बार लिखा, जो रह गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, किसका, ऊपर वाले का जो फैक्टर्स निकालना है उसका फाइनल आंसर ये है। उसी तरह से नीचे वाले का भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसका भी एक आंसर मिलेगा। फिर दोनों आंसर्स को आप इसमें पुट कर दोगे और कुछ कैंसल होता है तो कैंसल करके आप लिमिट की वैल्यू रख के आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो चलो इतना मेरा हुआ, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, x माइनस 7 और x माइनस 1, ऊपर का मेरा आंसर आया वो मैंने लिख दिया। नीचे का आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए सेम मेथड है। ये सब मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको हर एक टाइप का फैक्टराइजेशन आ जाए। तो देखो इसमें पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। इसमें फर्स्ट टर्म है 7, मिडल टर्म तो हम कैलकुलेशन में नहीं लेते, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 1 है। तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या आएगा, 7 इंटू 1 दैट विल बी 7। अब आपको 7 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि आंसर आपका क्या आना चाहिए, माइनस 6। तो 7 के ऐसे कैसे फैक्टर्स निकलेंगे चलो देखते हैं। 7 का फैक्टर होता है 7 इंटू 1। अब साइंस देखो, क्योंकि हम यहां पे साइन पुट करते हैं, साइन हमको यहां से मिलेगा, माइनस माइनस, माइनस माइनस का आंसर प्लस आता है। ये रिंग यूज करना है, पहला साइन आपको पहले वाले फैक्टर को देना है, दूसरा साइन आपको दूसरे वाले फैक्टर को देना है। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस 6। क्यों माइनस 6, क्योंकि जब साइन अलग अलग होते हैं तो हमेशा आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यानी माइनस करना है। तो साइन अलग अलग माइनस होगा,
इससे 7 माइनस 1 कर दो, 7 माइनस 1 इज 6, और बाद में बड़े दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन आपको इसमें डालनी है। तो पहले माइनस किया, 7 माइनस 1 इज 6, उसके बाद दोनों में से जो बड़ा है उसकी साइन आपने इसको डाल दी, तो माइनस 6 आपका आया। अब आप देखो यही आपका मिडल टर्म भी है, दैट मीन्स ये हमारा फैक्टराइजेशन जो है, ये जो दो फैक्टर्स है वो करेक्ट है, और इन्हीं दो फैक्टर्स को हम मिडल टर्म के बदले लिखेंगे। तो देखो क्या बनेगा इसका, 7x² माइनस 6x के बदले में ये लिख दूंगा, माइनस 7x प्लस 1x माइनस 1। अगर आप यहां पे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोनों में से कॉमन निकालना है, तो माइंड में हम ऐसा सोचेंगे कि हमें डिवाइड करना है, पर किससे डिवाइड करना है, दोनों में क्या कॉमन है, 7 भी दोनों में है और x भी दोनों में है, यानी हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 7x। 7x कॉमन निकालना है तो माइंड में ऐसा सोचना है कि इसको 7x से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 7 7 कैंसल, 1x कैंसल, x बचा, ये पूरा उड़ गया, 1 बचा, यानी माइनस 1। तो वही आपको अंदर रखना है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 कॉमन दिख रहा है, तो प्लस 1 में रखूंगा, प्लस 1 रखूंगा और ब्रैकेट में x माइनस 1। अगर यहां पे प्लस के बदले माइनस होता तो यहां माइनस रख के मैं इसका साइन चेंज करके यहां रखता, ठीक है, यानी माइनस का यहां प्लस करके लिखता, बट यहां पे प्लस है तो साइन को चेंज नहीं करते। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे, लिखते हैं एक ही बार उसको दोनों को, और जो दूसरे हैं दो उसको मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये आपका जो आंसर आया वो इसका फैक्टराइजेशन का आंसर है, तो मैं लिख देता हूं x माइनस 1 7x प्लस 1, चलो इतना तो हमारा आंसर है। अब लिमिट में क्या करना है आगे उसको हम देखते हैं। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिखता है, तो x माइनस 1 कॉमन है, ऊपर नीचे कैंसल, तो इसका क्या बचा, अब मैं फिर से लिखता हूं अच्छे से, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, कैंसलेशन के बाद जो बचा वो है x माइनस 1 एंड 7x प्लस 1। जब भी ध्यान देना, ऊपर नीचे कैंसल होने के बाद ही आपको लिमिट की वैल्यू अंदर डालनी होती है, ध्यान रखना ऊपर नीचे कैंसल हो उसके बाद जब लिमिट डालते हैं अंदर, तो 99% केसेस में नीचे जीरो नहीं आता है, 99% केसेस में नीचे जीरो नहीं आता है, और नीचे जीरो आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप आंसर कैसे निकालोगे, इसलिए आपको कैंसलेशन होता है और उसके बाद इसकी वैल्यू अंदर डालनी होती है। देखो क्या आएगा इसका आंसर, वैल्यू डालेंगे तो 1 इसको इधर रखूंगा, 1 यहां पे भी डालूंगा, तो ये होगा 1 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 7 इज माइनस 6, 7 वन जा 7 प्लस 1, यानी ये हो गया माइनस 6 अपॉन 8, कैंसल भी होगा क्योंकि 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आपका आंसर। करेक्ट, दिस इज योर आंसर, यानी आपको ध्यान देना है जब भी इस टाइप के सम्स दिखते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो सबसे पहले आप देखिए फैक्टराइजेशन होता है, तो फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कैंसल होने के बाद आपको फिर लिमिट की वैल्यू डाल के आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।
और इसके बाद और भी हम सम्स लेने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इस चैनल में आपको दिखा दूंगा।